अनदर नशरियात ऑफ यूटीटीवी की एक और नशरियात पे आप सबका हम आपको सामने हाल करते हुए आपका स्वागत करते हैं और डेली टॉक्स का एक और एपिसोड में आपको एंटरटेन करते हैं, कोई एंटरटेनिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं जिससे आपके सेंटिमेंट्स भी हर्ट होंगे, हो सकता है आपको भी कुछ ना कुछ सीखने सिखाने को मिले और आप इस पर कमेंट या ओपिनियन देना पसंद करें। सो आज का टॉपिक जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इससे एग्री भी करेंगे, डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग जो करना चाहते हैं वो करके ही हटते हैं। वो बैन हो, वो रोका गया गया हो, लॉस की इजाज़त देता हो, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, इट डज नॉट मैटर एट ऑल, क्योंकि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है। फ्री प्रेस, इंटरनेट, थ्रू डिजिटल मीडिया लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं अपनी चाहत को पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए। इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। तो अलबत्ता रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट इट डज मैटर और इट डज नॉट मैटर एंड इट शुड मैटर इन द माइंड ऑफ द राइट पीपल, जो टॉपिक जिस पे हम आज बात करने लगे हैं वो ये है कि म्यूजिक कैन एंड शुड बी रेटेड बाय द गवर्नमेंट बिफोर गोइंग ऑन एयर। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। अगर हम इसको सीरियस टोन के अंदर बात करें तो वो ये टॉपिक है जी, जो म्यूज़िक आजकल हम सुन रहे होते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रेट किया जाना चाहिए। जैसे फिल्म हम जो देखते हैं सिनेमा के अंदर वो रेट की जाती हैं कि ये 18 प्लस फिल्म है, ये 16 प्लस फिल्म है, ये 17 प्लस फिल्म है, ये आर रेटेड मूवी है। बहुत सारी गेम्स जो हम खेलते हैं वो रेट की जाती हैं, ये 18 प्लस गेम है, 16 प्लस गेम है, 12 प्लस गेम है, ये वायलेंट गेम है, ये पजल गेम्स है। बहुत सारी बुक्स जो हम रीड करते हैं उनको रेटिंग की जाती है, ये फर्स्ट ग्रेड की बुक है, ये सेकंड ग्रेड की बुक है, ये थर्ड ग्रेड की बुक है, ये फोर्थ ग्रेड की बुक है। हमारे एजुकेशन लेवल को ग्रेड किया जाता है कि ये हमारा जी प्राइमरी लेवल है, ये किंडरगार्टन लेवल है, ये मिडिल स्कूल है, ये हायर मिडिल स्कूल है, ये हायर स्कूल है, ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। हमारे एज को रेट किया जाता है, ये अभी बच्चा है, ये अभी किड है, ये अब यंग है, ये अब यंग एडोलेसेंट है, ये अब टीनेजर है, सॉरी ये अब टीनेजर है, फिर ये एडोलेसेंट है, अब ये यंग एडोलेसेंट है, अब ये यंग है, अब ये एडल्ट है, अब ये मिडल एज्ड है, अब ये ओल्ड है। और हमारे करियर और हमारे जो जिसे हम कहते हैं स्टेट है उसको भी रेट किया जाता है कि ब्यूरोक्रेसी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट एक्शंस दैट आर टू बी टेकन एंड दैट आर बीइंग टेकन ऑन एवरीडे बेसिस। हर चीज़ को एक रेटिंग के मुताबिक ही जज किया जाता है और उस रेटिंग के मुताबिक ही उसको जज करने के बाद उस पर अपना ओपिनियन, अपना इजहार राय दिया जाता है। और बहुत सारे लोग होते हैं वो जो जिसको हम कहते हैं भेड़ की चाल, वो कहते हैं कि यार चलो हमारा अपना कोई ओपिनियन नहीं है, हमने वो बातें उन बातों से हम एग्री कर लेते हैं जो कि बाकी ज़्यादातर लोग वो बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उससे एग्री कर लेते हैं। अगर अपना ओपिनियन दिया तो ऐवें बहस के अंदर पड़ जाएंगे, डिस्कशन के अंदर पड़ जाएंगे, सर खपाना पड़ जाएगा। तो वो कहते हैं कि चलो यार जो बाकी कह रहे हैं वैसे ही सारा कुछ वैसे चलने देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो बोल लेते हैं अपने ओपिनियन का, खुल के इजहार कर देते हैं, राय का इजहार कर देते हैं, उसके अंदर भी कोई मज़ाइका नहीं है। तो अलबत्ता आज के टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन ही रखते हैं, टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं, टॉपिक से स्ट्रे नहीं करते। स्ट्रे बाय द वे उसका गेम प्ले ज़रूर देखिएगा चैनल पे, इट्स इंटरेस्टिंग गेम, वेरी इंटरेस्टिंग गेम स्ट्रे, मुझे तो बहुत मज़ा आया खेलने में। अच्छा, तो वो जो आज का टॉपिक और मौजू है जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है कि जी जो म्यूज़िक का हम सुनते हैं वो सुनते तो हैं सारे के किसी अब म्यूज़िक के अंदर भी डिफरेंट जानराज होते हैं, हिप हॉप जी आ गया, तो सबसे पहले तो वो हम हिंदी म्यूज़िक सुनते हैं, पाकिस्तानी म्यूज़िक भी, लवली पाकिस्तानी म्यूज़िक, जुनून बैंड के कोई मेरे ख्याल से गाना नहीं सुना छोड़ा होगा किसी ने, आतिफ असलम का गाना किसी ने कोई नहीं छोड़ा होगा, वो अदनान समी अब इंडिया चला गया उसका भी कोई गाना किसी ने नहीं छोड़ा होगा, हदीका कियानी का गाना किसी ने नहीं कोई छोड़ा होगा। सो म्यूज़िक जब पाकिस्तान के अंदर रिलीज़ होता है वो पाकिस्तान की अगर हमारी वैल्यूज़ को अगर आप उसको क्रिटिकली एनालाइज़ करेंगे, क्रिटिकली तौर पे देखेंगे तो वो आपको नापसंद आएगा, क्योंकि आप अगर उसको क्रिटिकली देखेंगे आप कहेंगे नहीं जी ये तो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, इसके अंदर ये कैसी वाजियात बताएंगे। अगर आप उसको ज़रा एक फ्री माइंड स्टेट ऑफ माइंड से देखेंगे तो आप कहेंगे इट्स अ गुड रिक्रिएशनल एक्टिविटी, एक अच्छी रिक्रिएशनल एक्टिविटी अपने आप को एंटरटेन करने के लिए,
जितने जिधर इतने ज़्यादा आप मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं अपना इजहार राय देने के लिए, न्यूज़पेपर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, टीवी चैनल्स, टंग, अपनी ज़ुबान, तो वो उधर ये भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। हज़रत दाऊद को सुर दिया गया था, तो जब वो सुर में तो तलावत करते थे या गाते थे, तब जब सारे जो इर्द गिर्द वो चरिंद परिंदे वो इकट्ठे हो जाते थे। वो उस लिहाज से इमाम गजाली का भी फरमान है कि इफ़ यू लिसनिंग टू द राइट म्यूज़िक, अगर आप वो म्यूज़िक सुन रहे हैं जिसके अंदर एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज कन्वे किया जा रहा है, देन इट इज़ एक्सेप्टेबल। अगर आप वो म्यूज़िक सुन रहे हैं जिसके अंदर एक अच्छा या पॉजिटिव मैसेज नहीं कन्वे हो रहा, देन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। वो तब हमने ये भी सुना था जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लेकर आए थे। अब इसको हम थोड़ा सा बेसिक लेवल से उन्होंने बात स्टार्ट किया, तो वो जो जितनी भी उधर की बच्चियाँ थी, औरतें थी, उन्होंने डफली बजा के उनको वेलकम किया था। म्यूज़िक इट हैज़ अ वेरी रिच हिस्ट्री, और वेदर इट शुड बी रेटेड बाय द गवर्नमेंट, यस डेफिनेटली इट शुड बी रेटेड बाय द गवर्नमेंट, ताकि लोगों को पता हो कि आप किस जानरा ऑफ कौन से जानरा सुन रहे हैं म्यूज़िक का, आप उसके अंदर जो एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो क्या मैसेज है, वो आने वाली जनरेशन को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, वो आपकी सोच को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, वो आपको क्या मैसेज दे रहा है, और वो इर्द गिर्द के अंदर कैसा इन्वायरमेंट प्रमोट कर रहा है, वो किस किस्म का कल्चर प्रमोट कर रहा है। अगर आप उस चीज़ को रियलाइज़ किए बगैर वल्गर म्यूज़िक को प्रमोट करेंगे, वल्गर मैसेज को प्रमोट करेंगे, तो वो उसके अंदर फिर आपको बहुत सारे हिडन मैसेजेस और हिडन साइंस ऐसे नज़र आएंगे जो कि अगर आप क्रिटिकली देखेंगे तो आपके लिए वो अनएक्सेप्टेबल होंगे। आप कहेंगे दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये हमसे क्या गलती होगी, फिर आप रिग्रेट करते रह जाएंगे। जिधर हुकूमत पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों के ऊपर नज़रसानी रखती है, तो उसको ये भी, और मेरे ख्याल से आज से तकरीबन 10-20-30 साल पहले जब PIA अपने अरूज पे थी, जब हम अपनी पाकिस्तान की मिसाल दे के लोगों को बताया करते थे प्राउडली कि वी आर ए नेशन ऑफ पीपल दैट कैन स्टैंड फॉर इट्स सेल्फ, दैट कैन स्टैंड फॉर द राइट्स ऑफ इट्स पीपल, दैट कैन अपनी अपने हक के लिए हम खुद आवाज़ उठा सकते हैं। एट दैट टाइम तब लोग, और तब हम इस चीज़ की रिकग्निशन भी रखते थे कि यस, वो बेशक म्यूज़िक हो या कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, हमारा वो जो एक माइंडसेट होता था वो यकसू होता था, वो क्लियर होता था कि यार ये करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। तो अब आजकल की जो जनरेशन या इन्वायरमेंट या कल्चर हमें नज़र आ रहा है, वो हमें एक कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रहा है, कि वो कन्फ्यूज हैं, कि उनको नहीं पता कि यार ये हिंदी म्यूज़िक वेरी इंटरटेनिंग, वेरी फन लिसन टू, ये अरबी म्यूज़िक वेरी इंटरटेनिंग एंड वेरी फन टू लिसन टू, ये बॉलीवुड म्यूज़िक वेरी इंटरटेनिंग, एनी काइंड ऑफ म्यूज़िक, और भी वो काफ़ी ज़्यादा वाहियात म्यूज़िक भी होते हैं। मैं खुद कोई इतना अच्छा म्यूजिशियन नहीं हूँ जो म्यूज़िक के ऊपर कमेंट कर सकूँ, अगर मैं एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन होता, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक, तो मैं उसके ऊपर, उसकी बारीकी के ऊपर कमेंट कर सकता था। मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैसेज जो कि म्यूज़िक कन्वे करता है, तो वो मेक श्योर कि इट्स अ पॉजिटिव मैसेज, मेक श्योर कि वो इट्स अ पीसफुल मैसेज, मेक श्योर कि इट इज़, अगर आप म्यूज़िक को इस्तेमाल करते हुए, मैं खुद अपने इमोशंस का इजहार करता रहा हूँ म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हुए, स्कूल की इवेंट्स में जाके कह देना कि भाई ये गाना इसको डेडिकेट कर दो, खुला माइक पे जाके कह देना। अगर इफ़ यू आर यूजिंग म्यूज़िक टू डेडिकेट टू एक्सप्रेसिंग इमोशंस, टू एक्सप्रेस योर मैसेज और एक्सप्रेस योर वॉइस, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन इफ इट्स प्रमोटिंग अ वल्गर मैसेज, इफ इट्स प्रमोटिंग अ वल्गर कल्चर विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल यूजली इन द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ योर होम, इन द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, देन आई थिंक इट इज़ नॉट ए पॉजिटिव लाइट, और इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव थिंग टू बी इंडोर्स्ड। एनी हाउ एज द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वी शुड मेक श्योर, हमें खुद अपने आप को अवेयर करना चाहिए कि बी इट आतिफ असलम, बी इट दी जानर ऑफ म्यूज़िक दैट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, वो अगर हम उसको सुन रहे हैं तो हमें उसकी रेटिंग पता होनी चाहिए, और हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग उसको सुन रहे हैं वो किस एज से बिलोंग करते हैं, वो किस मेच्योरिटी लेवल से बिलोंग करते हैं, और आर दे केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ऑफ द म्यूज़िक दैट इज़ बींग गिवन बाय द म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स और द लिरिसिस्ट,
वो खुद अंडरस्टैंड करके उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसकी तशरीह कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इफ़ दे आर नॉट केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैसेज ऑफ द म्यूज़िक, और वो उसको राइटली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड बिटवीन व्हाट इज़ दैट इज़ रॉन्ग, तो देन आई थिंक दे आर जस्ट बींग माइंड वॉश्ड, उनका सिर्फ दिमाग वॉश हो रहा है, माइंड वॉश हो रहा है, और वो सिर्फ अपनी इंटरटेनमेंट के लिए वो पता नहीं कौन सी किधर रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। अलबत्ता मैं खुद म्यूज़िक का एक एविड लिसनर हूँ, विविड लिसनर हूँ, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, सुनना चाहिए, मैं तो सुनता हूँ म्यूज़िक बहुत अच्छा अपने आप को। जब भी मैंने मेरा वर्कआउट का म्यूज़िक, फॉर इंस्टेंस मैं बात कर रहा हूँ कि मैं वर्कआउट करना हो तो वर्कआउट की प्ले लिस्ट अलग है, स्टडी करनी हो स्टडी की प्ले लिस्ट अलग है, ठीक है सोना हो सोने की प्ले लिस्ट अलग है। सो बट मेक श्योर इट्स जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो, मेक श्योर कि अगर आपकी भी कोई अच्छी वर्कआउट लिस्ट है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, बताएं इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि मैं भी अपने आप को एंटरटेन करूँ। इट्स अनदर रिक्रिएशनल एक्टिविटी दैट शुड बी इंडोर्स्ड, बट क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है अगर आप इसको सही तरीके से लेबल नहीं करेंगे, सही तरीके से रेट नहीं करेंगे, फिर जैसे जैसे ऐसी ग्रो ओल्डर यू विल बिगिन, जिधर आप बहुत सारी और चीज़ों को लेके हुकूमत को या फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ओल्डर जनरेशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं या जनरल क्रिटिसिज्म देते हैं, उधर आप इस चीज़ को लेके भी एक परेशानी का शिकार हो जाएंगे। सो आई थिंक अगर आप इसको डिस्कस कर लेंगे तो वो बेटर है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कोई भी इशू अगर आपको परेशान कर रहा हो उसको आप हेड ऑन फेस करें, फेस करके उसको डिस्कस कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, और वो सोसाइटी के लिए भी ज़्यादा बेहतर है, वो लोगों के लिए भी ज़्यादा बेहतर है, और लोगों के लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि यू नो कि ट्रैक ऑफ द ओल्ड म्यूजिक, मुझे जनरली वो जुनून बैंड के पुराने गाने बहुत पसंद है, वो सही है, और जज्बा जुनून तू हिम्मत ना हार, जस्तजू जो करे तो छुए आसमान, ऐ जज्बा ऐ दिल कर मैं जाऊँ हर चीज़ मुकाबिल हो जाए। सो दीज आर लाइक वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। वो तब वो म्यूज़िक होता था पेट्रियाटिक म्यूज़िक होता था, उसको पेट्रियाटिज्म के जानरे के अंदर डाल देते थे, जिसे हमारा खून वलवला आर्मी कॉम सपोर्ट करते थे, और वही जो हमारे सिंगर्स होते हैं वही सिंगर्स फिर वो डिफरेंट डिफरेंट जानरस को इंडोर्स कर रहे होते हैं। बस मेक श्योर कि यार वट एवर म्यूज़िक यू आर लिसनिंग टू, यू आर अवेयर, आप अवेयर हैं कि आप ये सुन रहे हैं और ये मैसेज प्रमोट कर रहे हैं, और उस अवेयरनेस को और आपके एनवायरनमेंट को वो म्यूज़िक किस तरह अफेक्ट कर रहा है। दैट्स इट, दैट्स ऑल आई एम सेइंग ऑन दिस टॉपिक। इससे फर्दर मैं ये नहीं कहूँगा कि यार अच्छा, हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो इंटरनेशनल म्यूज़िक आजकल वैसे आ रहा है, यू नीड टू बी रियली केयरफुल कि आप वो सुनते सुनते कहीं कहीं खुद पागल ना हो जाए वो, क्योंकि उसके अंदर वो रैप के अंदर भी, रैप यूज़ टू बी गुड, अब रैप के भी कुछ ऐसे जानर्स आ गए हैं जिनके समझ नहीं आती। सो यू नो इफ़ यू आर लिसनिंग टू म्यूज़िक मेक श्योर कि यू लिसनिंग टू द राइट म्यूज़िक, मेक श्योर यू लिसनिंग टू गुड म्यूज़िक, कानों को भी सुकून हो, जहन को भी सुकून हो, एंड अपनी प्ले लिस्ट जरूर हमारे साथ शेयर करें इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डू मेक श्योर कि एंड डू लेट अस नो ऑफ योर ओपिनियन इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।